और सिर्फ इंतखाबी निशान लिया गया है, पार्टी खत्म नहीं हुई है, हम मखसूस नशिस्तें भी लेंगे। पीटीआई रहनुमा लतीफ़ खोसा का दावा। सवा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बोले, सियासी जमात को सुप्रीम कोर्ट ही खत्म कर सकती है, इलेक्शन कमीशन नहीं। हमारे उम्मीदवार जीतकर वापस पीटीआई में आएंगे, हमारी जीत पर डाका नहीं मारा जा सकता। आप खातिर जमा रखें, रिजर्व भी हम लेंगे और वो मैं अभी स्ट्रेटजी नहीं बताना चाहता, लेकिन हम बिल्कुल लड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसिस्ट करती है, इट इज ए पॉलिटिकल पार्टी। हम जीतने के बाद ला महाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के फोल्ड में आकर पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि आपको चॉइस देनी पड़ती है विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, और बड़ा लिमिटेड टाइम है कि आप इंडिपेंडेंट जो है वो ज्वाइन कर लें किसी सियासी जमात को। जो पीटीआई के वोट से जीता है वो पीटीआई ही की फोल्ड में जाएगा और हम सबसे बड़ी जमात के तौर पर पार्लियामान में आएंगे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का ऐलान कर दिया। एक बार फिर वाज़ह कर दिया, किसी सूरत इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन, जिसने हमसे बल्ला ले लिया, उससे 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक मुतासिर हुए हैं। ये जमहूरियत के खिलाफ एक साजिश कामयाब हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी है, यही पे अमल होगा। जहाँ तक इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है, उस पे हमने रिव्यू हर सूरत फाइल करना है। मैं समझता हूँ जो कल तक हुआ वो पास्ट है, वो माजी है, लेट्स प्रोसीड नाउ टू द फ्यूचर। अगर आर्टिकल 17 अहम था तो 3 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का इस केस को नहीं सुन सकता था, इस केस को सुनना था 5 मेंबर बेंच ने। कुछ इसमें अदरवाइज भी फैक्चुअल ऐसी गलतियां हैं जो हम समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू में आना जरूरी है। हम रुकेंगे नहीं और न बॉयकॉट करेंगे, हम इंशाल्लाह ताला फुल फोर्स के साथ इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। जो भी निशान हमारे कैंडिडेट्स को मिलेगा, पीटीआई 3 दिनों के अंदर अंदर अपने सपोर्टेड कैंडिडेट का मुतालिका निशानात के साथ एक लिस्ट इशू करेगी। हॉर्स ट्रेडिंग के वाकई इंकामात बढ़ जाते हैं अगर आप इंडिपेंडेंट है, लेकिन जितने हमारे कैंडिडेट है नॉमिनेशन पेपर में उनका लिखा हुआ है की वो पीटीआई के कैंडिडेट, तो हम उम्मीद इंशाल्लाह ताला की वो हमारे ही जो इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्शन है, उसी को फॉलो करेंगे।